दोस्तों, आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और स्वागत है आपका आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टूडियो में बात करने वाले हैं फोर्जिंग प्रोसेस के बारे में कि फोर्जिंग प्रोसेस क्या होती है, क्या उसके टाइप्स होते हैं, क्या उसमें डिफेक्ट्स आते हैं, क्या उसके रेमेडीज होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं, मतलब कि हम टोटल बात करने वाले हैं फोर्जिंग प्रोसेस के बारे में। इसी वजह से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो आप आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट और है मेरी आपसे, जिस तरीके से आप मुझे यूट्यूब पर सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरीके से मैं चाहता हूँ आप मुझे patreon.com पर भी सपोर्ट करें। आप मेरे ऑफिशियल पैट्रियन बन सकते हैं और मेरी खास सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को ज़रूर चेक करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए फोर्जिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फोर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ कंसर्न आउटलाइंस हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे फोर्जिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में, फोर्जिंग के एप्लीकेशंस के बारे में, फोर्जिंग को हमें क्यों यूज़ करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे, फोर्जिंग में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं उनकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्जिंग क्या होती हैं, डिफेक्ट्स कौन कौन से फोर्जिंग में आते हैं, उनकी रेमेडीज़ क्या होते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, सभी की बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप आखिर तक बिना स्किप करें वीडियो को ज़रूर देखना, आई होप वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फोर्जिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में कि एक्चुअली में फोर्जिंग प्रोसेस होती क्या है। तो फोर्जिंग प्रोसेस एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस होती है जिसमें हम कंप्रेसिव लोड के थ्रू, मतलब कि जो एक्सटर्नल कंप्रेसिव लोड है उसके थ्रू उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, उसको कोई शेप देने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे हम मैन्युअली हैंड से, हैमर से ब्लोज भी दे सकते हैं या फिर मशीन हैमर के थ्रू भी उसको आकार बदल सकते हैं या फिर डाइस के थ्रू भी उसको हम डिफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी ये फोर्जिंग प्रोसेस काम करती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक फोर्जिंग मशीन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक हॉट स्टोक रखा हुआ है, स्टोक मतलब हमारा वर्क पीस जो है, तो फोर्जिंग का हमारा हॉट करके हमने वर्क पीस रख दिया है। अब जो ये हैमर है, ये हैमर इसे ब्लो देगा, मतलब कि इसका आकार बदलेगा ऊपर से स्ट्राइक करके। तो इस तरीके से फोर्जिंग प्रोसेस की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक फोर्जिंग की मशीन है, ठीक है। तो ये हाथ से ही ऑपरेट करते हैं इस मशीन को मैन्युअली। तो फोर्जिंग मशीन जो है हमारी, ये आपने गोल्ड स्मिथ के यहाँ पे देखी होगी, मतलब कि हमारे सुनार भाइयों के यहाँ पे देखी होगी। जो सुनार होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं मशीन के थ्रू फोर्जिंग से अपने ऑर्नामेंट्स को शेप देते हैं। कोई उन्हें डिबोजिंग करनी है, इम्बोजिंग करनी है या फिर कोई और इम्प्रेशन देना है, तो वो फोर्जिंग ही कहलाता है। तो इस तरीके से ऐसी टाइप की फोर्जिंग मशीन जो हमारे गोल्डस्मिथ हैं वो यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे ब्लैक स्मिथ होते हैं, मतलब कि देसी भाषा में अगर कहूँ जो हमारे लोहार होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारा जो भी पार्ट होता है उसे गर्म करते हैं भट्टी में और फिर उसे एनविल के ऊपर रख के हथौड़े से पीटते हैं, मतलब कि उसका आकार चेंज करने की कोशिश करते हैं और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लैकस्मिथ प्रोडक्ट में, जैसे कि रोटी बनाने वाला तवा हमारा होता है और डिफरेंट टाइप के औजार हो जाते हैं, ठीक है, और हथौड़ा या फिर कुल्हाड़ी जो हो गई हमारे वो हो गई। तो इस तरीके के प्रोडक्ट हमारे पुराने टाइम से ही हमारे जो ब्लैकस्मिथ हैं, हमारे जो लोहार भाई हैं, वो बनाते आ रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि जो फोर्जिंग प्रोसेस है वो काफ़ी पुरानी प्रोसेस है, ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और ये अब वाइडली यूज़ की जाती है हमारे इंडस्ट्रीज़ में। अब यहाँ पे काफ़ी ऑटोमेशन हो गया है, काफ़ी एडवांस मशीन्स आ गई हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की फोर्जिंग प्रोसेसेज हैं, उनके बारे में आगे हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहें। अब बात करते हैं फोर्जिंग की एप्लीकेशंस के बारे में कि कहाँ कहाँ फोर्जिंग के प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। तो फोर्जिंग प्रोसेस हमारी वाइडली यूज़ की जाती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हम इसमें बनाते हैं। हम इसमें जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ होते हैं, एरोस्पेस में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। पाइप फिटिंग्स हो गई हमारी, हैंड टूल्स और हार्डवेयर्स पार्ट हो गए, मशीन के इक्विपमेंट्स के पार्ट्स हो गए, हर जगह पर हमारी फोर्जिंग के पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं। जो हमारे फोर्जिंग के पार्ट्स हैं वो आपने इस तरीके से देखे होंगे, जैसे मशीन पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारी एक्सल्स हैं, यहाँ पे शाफ्ट हैं, ठीक है, क्रैंक्स वगैरह हैं, हब वगैरह हैं, तो ये फिनिश्ड कंडीशन में है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये नेचुरल फिनिश्ड कंडीशन में जो हमारी इस तरीके की होती है, मतलब कि ब्लैकिश टाइप की होती है, फिर इसको हम फर्दर मशीन करते हैं, फिनिश करते हैं, ठीक है, ग्राइंडिंग वगैरह करते हैं इस पर और हीट ट्रीटमेंट भी की जाती है, इसे हार्ड भी किया जाता है और ज़्यादा इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कि फोर्जिंग जो है हमें वो क्यों यूज़ करनी चाहिए, मतलब कि फोर्जिंग प्रोसेस हमें क्यों अपनानी चाहिए। तो फोर्जिंग जो है हमारी, उसके जो पार्ट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं एज़ कम्पेयर टू कास्टिंग, मतलब कि जो कास्टिंग के जो प्रोडक्ट हैं वो थोड़े वीक होते हैं, फोर्जिंग के हमारे स्ट्रॉन्गर होते हैं, जिससे भी जहाँ पे भी हमको स्ट्रॉन्गर पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे हमें ये देखना है कि रिलायबिलिटी ज़्यादा चाहिए, जहाँ पे हो सकता है कि ह्यूमन की सेफ्टी क्रिटिकल है, तो ऐसी जगह पे हम फोर्जिंग के पार्ट्स ही यूज़ करते हैं। जो इंजन के अंदर के पार्ट्स होते हैं, क्रैंकशाफ्ट वगैरह होते हैं, गियर्स वगैरह होते हैं, वो सभी फोर्जिंग के पार्ट होते हैं,
इसलिए फोर्जिंग की ढेरों एप्लीकेशंस हैं, एरोस्पेस में, ऑटोमोबाइल में, ट्रैक्टर्स में, शिप्स में, ठीक है, ऑयल ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स में। और जो हमारी फोर्जिंग होती है उसका जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी डेंस होता है एज़ कम्पेयर टू कास्टिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डेंसर है, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत पास पास में हैं और अच्छे से बॉन्ड हैं, तो इसीलिए जो हमारा फोर्जिंग का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से बनता है और ये स्ट्रॉन्गर है। तो फोर्जिंग हमारी स्ट्रॉन्गर होती है इसलिए उसका माइक्रो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनता है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं फोर्जिंग के ऑपरेशंस के बारे में। जैसे कि अगर आप शीट मेटल की तरफ देखें तो उसमें ब्लैंकिंग होती है, पियर्सिंग होती है, पंचिंग होती है, या फिर मशीनिंग में देखें तो ड्रिलिंग होती है, बोरिंग होती है, रीमिंग होती है। इसी तरीके से फोर्जिंग में भी कई सारे ऑपरेशंस होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे फॉलरिंग ऑपरेशन है। तो फॉलरिंग ऑपरेशन क्या होता है, इसमें डाई जो आती हैं वो सेंटर पे लोड लगाती हैं और जो हमारा मटेरियल फ्लो करता है वो बाहर की तरफ करता है और एजिंग में उल्टा हो जाता है, वो एंड्स में हमारी लोड लगाती हैं डाइज और जो हमारा मटेरियल है वो सेंटर की तरफ फ्लो करता है। और यहाँ पे आप फ्लैटनिंग ऑपरेशन देख सकते हैं, जैसे कि आपने लोहार भाइयों को भी देखा होगा, वो लोहे को गर्म करके हथौड़े से पीटते हैं एनविल पे और वो फ्लैट हो जाता है, तो इस तरीके से फ्लैटनिंग ऑपरेशन होगा। स्वैगिंग में हमें कुछ प्रोडक्ट इस तरीके का मिलता है, मतलब कि ये टेपर हो गया ना, हमें टेपर मैंड्रल के टाइप का हमें मिलता है प्रोडक्ट। और बेंडिंग, सिंपल बेंडिंग का ऑपरेशन हो गया हमारा, बेंडिंग यहाँ पे डाइस से की गई है, जैसे कि वी बेंडिंग आप देख सकते हो और यहाँ पे एज बेंडिंग आप देख सकते हो। और अपसेटिंग ऑपरेशन में क्या होता है, जिसमें कि हम पूरे मटेरियल को डिफॉर्म नहीं करते हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या करते हैं कि जैसे कि ऊपर का भाग हमें सिर्फ डिफॉर्म करना है, जैसे कि यहाँ पे बोल्ट का हेड बनाया हुआ है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हमने अपसेटिंग बोला है। अपसेटिंग जो है अलग ही कैटेगरी हमारी फोर्जिंग की, अपसेटिंग फोर्जिंग में वो आ जाती है, आगे इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं फोर्जिंग के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जो हमारा फोर्जिंग है उसे क्लासिफाई किया गया है टेम्परेचर के बेस पे। टेम्परेचर के बेस पे हम देखें तो यहाँ पे कोल्ड फोर्जिंग, वार्म फोर्जिंग और हॉट फोर्जिंग आ जाती है। अब इनकी डिटेल में बात करते हैं। तो कोल्ड फोर्जिंग में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है हमारे वर्कपीस का वो नियर रूम टेम्परेचर पे होता है, मतलब कि उसमें हम हीट नहीं करते हैं अपने कंपोनेंट को, वो एज इट इज़ हम उसे फोर्ज करते हैं, ठीक है, वैसे ही उस पर लोड अप्लाई करते हैं। कोल्ड फोर्जिंग जनरली हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमारा मटेरियल पहले से सॉफ्ट होता है, मतलब कि एल्युमिनियम जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स उसके होते हैं, एल्युमिनियम की तरह सॉफ्ट होता है, तो हम कोल्ड फोर्जिंग वहाँ पे इजीली कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारी रिविट्स होती हैं, रिविट्स एल्युमिनियम की जो बनाते हैं हम, वो कोल्ड फोर्जिंग के थ्रू बनाते हैं। जो इसमें हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है उसमें हमें जरा सी फिनिशिंग करनी होती है या फिर वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं भी होती फिनिशिंग की, क्योंकि सरफेस फिनिश हमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है कोल्ड फोर्जिंग में पहले से ही। पर हाँ, यहाँ पे हमें एनीलिंग करने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि हम कोल्ड में मटेरियल को डिफॉर्म करते हैं तो वो क्या होता है, वो रिफाइन नहीं हो पाता है, उसका स्ट्रक्चर जो है उसमें स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं, तो उन स्ट्रेसेस को रिलीव करने के लिए हमें एनीलिंग की ज़रूरत पड़ती है इसमें। अब बात करते हैं वार्म वर्किंग। तो वार्म वर्किंग में जो हमारा टेम्परेचर रेंज होती है वो कोल्ड फोर्जिंग से ऊपर होती है, मतलब कि रूम टेम्परेचर से ऊपर होती है और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे होती है। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वो होता है जहाँ पे हमारे जो मटेरियल है उसके मॉलिक्यूल्स दोबारा से रीअरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्ट्रक्चर और ज़्यादा रिफाइन होने लगता है, मतलब कि जो हमारा मटेरियल है वो प्लास्टिक स्टेज पर पहुँच जाता है, तो उससे नीचे का टेम्परेचर होता है इसमें। अगर मोटी मोटी बात मैं बताऊँ तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का 0.3 से 0.6 की जो रेंज होती है उसमें हम वार्म वर्किंग करते हैं, मतलब कि अगर कोई मटेरियल हमारा 1000 डिग्री सेल्सियस पे रिक्रिस्टलाइन होता है तो हम उसकी वार्म वर्किंग जो करेंगे वो 300 डिग्री से लेके 600 डिग्री के बीच में करेंगे। तो वार्म वर्किंग में हमारे वर्कपीस का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई हो जाता है, तो वहाँ पे फिर हमें जो टूलिंग का लोड है वो कम डालना पड़ता है। और इसमें जो हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है वो अच्छी सर्फेस फिनिश का मिल जाता है और जो डायमेंशनल टॉलरेंस है वो भी हम ईजिली मेंटेन कर लेते हैं। और इसमें एनीलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि पहले से मटेरियल थोड़ा सा हीट हो चुका होता है, तो वहाँ पे क्या होता है उतने ज़्यादा स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होते हैं, तो एनीलिंग की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है हमारे प्रोडक्ट के लिए। अब बात करते हैं हॉट फोर्जिंग के बारे में। तो हॉट फोर्जिंग का जो हमारा टेम्परेचर होता है वो अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है, मतलब कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर ही हम इसे करते हैं, ठीक है, तभी इसे हॉट फोर्जिंग बोला जाएगा। पूरी तरीके से इसमें मटेरियल गर्म हो जाता है और वो प्लास्टिक स्टेज में पहुँच जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा हाई स्ट्रेन रेट हमें मिलता है, स्ट्रेन मतलब कि जो चेंज होता है उसका डिफॉर्मेशन होता है वो रेट हमारा हाई हो जाता है, तो हम उसे ईजिली डिफॉर्म कर पाते हैं और उसमें टूलिंग का जो लोड है वो और ज़्यादा कम हो जाता है। और हाई टेम्परेचर में इसे करने से और ओपन एयर के कॉन्टैक्ट में आने से ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा होता है प्रोडक्ट्स में, स्केलिंग काफ़ी ज़्यादा उतरती है उसमें, तो होता क्या है वहाँ पे सर्फेस फिनिश हमें काफ़ी ख़राब सी मिलती है, काफ़ी अच्छी नहीं मिलती है, और वहाँ पे जो डायमेंशनल टॉलरेंस है उसे भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
इसलिए जो हॉट फोर्जिंग के हमारे प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हम पहले से ही थोड़ा सा प्लस में बना के चलते हैं डायमेंशन में, ताकि मशीनिंग के टाइम पे उनकी जो डायमेंशन है उन्हें हम मेंटेन कर सकें। तो जैसे कि इस प्रोसेस को हम अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर करते हैं, तो वहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब कि रीअरेंज जो होते हैं मॉलिक्यूल्स वो वैसे ही हो जाते हैं। अगर वहाँ पे कोई स्ट्रेसेस भी जनरेट होते हैं, अगर डिफॉर्मेशन के टाइम पे मेटल में कोई स्ट्रेसेस आते हैं, तो वो वैसे ही रिकवर हो जाते हैं इटसेल्फ, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चल के टाइप्स ऑफ फोर्जिंग के बारे में, ठीक है। तो फोर्जिंग के टाइप्स में यहाँ पे आ जाती है स्मिथ फोर्जिंग, जिसे कि हम ओपन डाई फोर्जिंग भी कह सकते हैं, और ड्रॉप फोर्जिंग आ जाती है, प्रेस फोर्जिंग आ जाती है, मशीन फोर्जिंग और अपसेट फोर्जिंग आ जाती है, और रोल फोर्जिंग आ जाती है। अब इनकी डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम स्मिथ फोर्जिंग के बारे में, जैसे कि हम ओपन डाई फोर्जिंग भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो ये जो फोर्जिंग प्रोसेस है हमारी, ये ट्रेडिशनल फोर्जिंग प्रोसेस है, काफ़ी पुराने टाइम से करते आ रहे हैं। जैसे कि गांव वगैरह में जो हमारे ब्लैक स्मिथ होते हैं वो इसे करते हैं, ठीक है, लोहे को गर्म करके हथौड़े से मैनुअली मार के उसका आकार वगैरह बदलते हैं, तो इस तरीके से फोर्जिंग प्रोसेस करते हैं। अगर आज हम शॉप फ्लोर पे इसे करें तो वहाँ पे भी इसे मैनुअली करते हैं, हम एनविल पे रख के अपने प्रोडक्ट को, जैसी भी हमें शेप देनी या फिर रिपेयर वगैरह करना है फोर्जिंग को, तो इस तरीके से हम स्मिथ फोर्जिंग कर सकते हैं, ओपन डाई फोर्जिंग कर सकते हैं, या फिर पावर हैमर का भी यूज़ किया जा सकता है वहाँ पे। इसमें हम अपने स्टोक को, अपने वर्क पीस को भट्टी में गर्म करते हैं, भट्टी में गर्म करने के बाद उसे फिर हम ओपन डाई पे या फिर अपनी एनविल पे रख देते हैं, और अगर हमें मैनुअली हथौड़े से करना है उसे, तो हथौड़े से ब्लोज देके उसका आकार बदलते हैं, या फिर पावर हैमर से करना है तो डाइज के बीच में उसे रख के घुमा घुमा के उसे हम शेप दे सकते हैं। तो डाइज इसमें ओपन होती है, कोई भी कंट्रोल नहीं होता, सारा अपने हाथ के ऊपर होता है कि कैसे हम पार्ट को रख रहे हैं, कैसे हम उसे घुमा घुमा के उसे शेप दे रहे हैं। तो इस तरीके से ओपन डाई फोर्जिंग की जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फोर्जिंग प्रोसेस के बारे में, तो वो आ जाती है हमारी ड्रॉप फोर्जिंग। तो ड्रॉप फोर्जिंग में क्या होता है, सेम ऐसा ही होता है सिमिलर देखने में जैसे कि हमने ओपन डाई फोर्जिंग करी है, बस इसमें क्या होता है, जो हमारी डाइज होती हैं वो क्लोज्ड होती हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें हमारे दो हाफ होते हैं डाई के, एक अपर हाफ होता है, एक लोअर हाफ होता है। हम लोअर हाफ पे अपने स्टोक को, अपने वर्क पीस को गर्म करके उस पर रख देते हैं, और फिर अपर हाफ जो मूवेबल होता है उससे फिर उस पर ब्लोज दिए जाते हैं, उससे स्ट्राइक करते हैं। तो उन्हें स्ट्राइक करने के बाद, चार पांच स्ट्रोक देने के बाद, जैसी भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जितने में भी वो हमारा जो वर्क पीस है अपनी शेप को गेन कर लेता है, तो वहाँ हमें फोर्जिंग मिल जाती है। ड्रॉप फोर्जिंग से जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं हमारे क्रैंकशाफ्ट हो गई, कनेक्टिंग रॉड्स हो गई, हमारी रिंच हो गई, ठीक है। जैसे कि आपने ड्रॉप फोर्स देखा होगा लिखा हुआ रिंचेस पे, तो वो इसी से बनती हैं ड्रॉप फोर्जिंग से। और टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इसमें आप फलरिंग आ जाती है, एजिंग आ जाती है, बेंडिंग आ जाती है, ब्लॉकिंग आ जाती है, ब्लॉक्स वगैरह बनाना, फिनिशिंग और ट्रिमिंग आ जाती है। जैसे कि हमने अपनी जॉब बना दिया, उसमें साइड साइड में फ्लैशेज रह गई हैं, ठीक है, वो हमें रिमूव करनी है, उस पर ट्रिमिंग करनी है, तो ट्रिमिंग के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो नेक्स्ट हमारी प्रोसेस यहाँ पे आ जाती है प्रेस फोर्जिंग। तो प्रेस फोर्जिंग कैसी होती है, जनरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैसा ही डायग्राम इसका है, सेम अपर हाफ है यहाँ पे, लोअर हाफ है, बीच में हमारा स्टोक रखा हुआ है, वर्क पीस रखा हुआ है, और फिर हम इसे डाइज के बीच में दबा रहे हैं, और यहाँ पे हमें फोर्जिंग मिल रही है। तो इसमें चेंजेस क्या है, क्या होता है इसमें, तो जैसे हमारी ड्रॉप फोर्जिंग होती है सेम उसी तरीके से इसमें भी काम होता है प्रेस फोर्जिंग में। सेम इसमें क्लोज डाई होती है, उसमें हम अपना स्टोक रखते हैं, वर्क पीस रखते हैं, ठीक है, पर उसमें क्या होता है ड्रॉप फोर्जिंग में, हम उसमें चार पांच बार उस पर स्ट्रोक्स लगाते हैं तब उसकी शेप चेंज होती है। बट इसमें ऐसा नहीं होता, प्रेस फोर्जिंग में हम हाइड्रोलिक मशीन्स को यूज़ करते हैं और वो कंटिन्यूसली स्क्वीज करती है हमारे पार्ट को, ठीक है, कंटिन्यूसली उसे डिफॉर्म करती हैं। तो यहाँ पे हमारा एक ही सिंगल स्ट्रोक में फोर्जिंग कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें जो हमारे फोर्जिंग पार्ट होते हैं वो एंटायर डेप्थ तक यूनिफॉर्मली डिफॉर्म हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारे ऑपरेशंस में फलरिंग आ जाती है, बेंडिंग आती है, या फिर कोई फिनिशिंग इंप्रेशन हमें देना है डाइस से, वो आ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारे आती है मशीन फोर्जिंग या फिर अपसेटिंग फोर्जिंग के बारे में। तो ये क्या है हमारी प्रोसेस, इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि हम ड्रॉ फोर्जिंग में और प्रेस फोर्जिंग में क्या करते थे, पूरे के पूरे पार्ट को ड्रॉ करते थे, मतलब कि जैसे ड्राइंग ऑपरेशन होता है ना, पूरे पार्ट को डिफॉर्म किया जाता है हर तरीके से, तो उस तरीके से हम फोर्जिंग वहाँ पे बना रहे थे। बट जहाँ पे हमें पूरे पार्ट को ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ कुछ एक हिस्से को ही फोर्ज करना है, तो उसे हम बोलते हैं फिर अपसेटिंग। ये जो अपसेट फोर्जिंग है, इसको डेवलप किया गया था जो हमारे बोल्ट्स हैं उनके हेड बनाने के लिए। अपसेटिंग जो ऑपरेशन है वो मैनुअली भी हो जाता है, ठीक है, डाइज की मदद से। जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, जो अच्छे दस्तकार होते हैं हाथ के, वो बोल्ट्स के हेड को हाथ से ही बना देते हैं, बट उसमें टाइम लगता है। पर ये मास प्रोडक्शन की जाती है कंपनीज में, तो इसकी स्पेशल मशीन्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है, हेडर मशीन्स इसकी यूज़ की जाती हैं। उसमें एक्चुअली होता क्या है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे सेक्शन व्यू दिखा रखा है ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी दो ग्रिपर डाइज होती हैं, एक फिक्स होती है और एक मूवेबल होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने स्टोक को रख देते हैं, अपनी जो कट लेंथ है उसे रख देते हैं, जिस पे भी हमें अपसेटिंग करनी है।
तो फिर उस पर क्या होता है, जो ग्रिपर डाई है वो उसे ग्रिप कर लेती है। फिर उसे ग्रिप करने के बाद यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं 2 नंबर, ये हमारा पंच हो जाता है, ठीक है। ये हेडर में लगा होता है, ठीक है, हेड पार्ट होता है ये। तो ये क्या होता है, पंच होता है। तो जैसे ही ग्रिप करती है डाई, फिर पंच आता है और उस पर स्ट्रोक लगा देता है। तो जैसे भी हमें शेप चाहिए होती है, उसी शेप का वो पंच होता है और वैसे ही वो शेप बना देता है एंड पे। जैसा कि यहाँ पे 3 बार में ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे बोल्ट का हेड ही बनाया जा रहा है और यहाँ पे बोल्ट का हेड 3 बार में बन रहा है। पहले ये कोन टाइप का बन रहा है, फिर थोड़ा सा कोन इसका छोटा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है और यहाँ पे फाइनली हेड बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पंच और डाइस चेंज होती रहती हैं और जिस हिसाब के हमें शेप चाहिए होती है, उस हिसाब के पंच और डाइज में कैविटीज़ कटी होती हैं। तो इसमें हम कोल्ड फोर्जिंग भी कर सकते हैं और हॉट फोर्जिंग भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है किस टाइप की आपकी जॉब है और कितनी बड़ी जॉब है, उसके हिसाब से हम कोल्ड फोर्जिंग हॉट फोर्जिंग दोनों कर सकते हैं अपसेटिंग में। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर आ जाती है हमारी रोल फोर्जिंग। तो रोल फोर्जिंग में क्या होता है, तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारे फ्लैट्स होते हैं या फिर कोई राउंड बार होती है, उसकी जो हम थिकनेस है या फिर डायमीटर है उसे कम करते हैं और उसकी लेंथ को बढ़ाते हैं रोल करके, ठीक है। तो इसे इसलिए हम रोल फोर्जिंग कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप फ्लैट देख सकते हैं जिसकी थिकनेस कम करके लेंथ बढ़ाई जा रही है और यहाँ पे क्या है, ये डंबल शेप का बनाया जा रहा है। तो रोलर में उसी तरह की शेप यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, उसी तरह की ये डाई टाइप का बना रखा है इसे। तो ये डंबल शेप हमें यहाँ पे मिल रही है, इससे क्या हो रहा है, इसकी थिकनेस कम हो जा रही है और लेंथ बढ़ जा रही है और जो शेप हमें चाहिए उस शेप का ये बन रहा है। तो उसी शेप का हम यहाँ पे रोलर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी एक तरीके से रोल फोर्जिंग हो जाती है। यहीं पे हमारी सभी टाइप्स ऑफ फोर्जिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती हैं। अब बात करते हैं इनके डिफेक्ट्स के बारे में कि कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं फोर्जिंग में। तो सबसे पहला डिफेक्ट यहाँ पे देख सकते हो आप, अनफिल्ड सेक्शन या फिर अंडरफिल। तो उसमें होता क्या है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे एक डॉट सा रह गया, ठीक है, ये कैविटी बनी रह गई है, पर हमें क्या है, ये पूरा फिल चाहिए था। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरे नंबर में दिखा रखा है, यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पे भी गड्ढा सा रह गया, ठीक है, ये फिल नहीं हो पाया। तो ऐसा होता कब है, या तो हमारा पुअर हो डाई का डिज़ाइन, वहाँ पे मटेरियल पूरी तरीके से फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर हमारा जो रॉ मटेरियल है, जो कट लेंथ है वो लेस हो, या फिर वहाँ पे पुअर हीटिंग हो, मतलब कि जो हमारा स्टोक है वो ठंडा रह गया, वो पूरी तरीके से डाई में फ्लो नहीं कर पाया हो। तो इसके रेमिडीज़ क्या होंगे, यहाँ पे हम स्पेशल केयर करेंगे किस चीज़ की, डाई की डिज़ाइन की, वो अच्छा होना चाहिए, अच्छे से मटेरियल हमारा उसमें फ्लो करें, ठीक है, हीटिंग का ध्यान रखेंगे, प्रॉपरली हीट होना चाहिए वो, और वहाँ पे इनफ लेंथ होनी चाहिए रॉ मटेरियल की, जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ही हमारा रॉ मटेरियल होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट डिफेक्ट यहाँ पे आता है कोल्ड शर्ट का। तो कोल्ड शर्ट में क्या होता है हमारा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, कोल्ड शर्ट में होता क्या है, स्मॉल स्मॉल क्रैक्स आ जाते हैं हमारे, ठीक है, कॉर्नर्स पे क्रैक्स आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अपर डाई है और लोअर डाई है, तो यहाँ पे जो ये हमने फॉर्मिंग करी है, ठीक है, जो हमारी यहाँ फोर्जिंग हुई है, तो यहाँ कॉर्नर्स पे इसके क्रैक्स आ जाएंगे। तो ये हमारे डिफेक्ट क्यों हो जाते हैं, हमारी फोर्जिंग डाई का डिज़ाइन इम्प्रॉपर हो, ठीक है, शार्प कॉर्नर्स हो हमारे ऑब्जेक्ट में, ठीक है, जैसे कि वहाँ पे जो फिलेट्स रेडियस हैं जो वो कम रह गए हों, थोड़े शार्प हो गए हों, एक्सेसिव चिलिंग हो गई हमारे फोर्जिंग प्रोडक्ट की, ठीक है, वो बहुत ही जल्दी ठंडा हो गया हो, तो उस तरीके से ये क्रैक्स आ जाते हैं। तो इनके रेमिडीज़ क्या हैं, तो यहाँ पर हमें स्पेशल केयर किसकी करनी है, क्योंकि जो फिलेट रेडियस है हमारे डाइज में उसे हमें बढ़ाना पड़ेगा, वो उसमें शार्प कॉर्नर्स ना हो, और जो वर्किंग टेम्परेचर है हमारा उसे हमें मेंटेन करना पड़ेगा, जो भी हमारा स्टोक है वो ठंडा ना हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पे आता है स्केल पिट्स का। तो स्केल पिट्स में क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसके एंड पे क्या हुआ है, इस बार के एंड पे स्केलिंग स्केलिंग सी हो गई है, ठीक है, और पिटेड पिटेड लग रहा है, ठीक है, ऐसे स्केलिंग हो गई है पैरेलली और ये पिटेड लग रहा है। तो ऐसा कब होता है, तो जब हम ओपन इन्वायरमेंट में फोर्जिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने अपने स्टोक को गर्म किया, उसके बाद जहाँ पे वो रखा गया वो मतलब सरफेस वो एरिया वो साफ़ नहीं था, उससे क्या होता है, वो गंदगी उस पर चिपकी रह जाती है, फिर हम उसे डिफॉर्म करते हैं, तो क्या होता है, इम्प्रॉपर क्लीनिंग की वजह से वो फोर्स सरफेस पे रह जाती है और वहाँ पे गड्ढे गड्ढे से बन जाते हैं स्केलिंग की तरह, ठीक है, तो स्केल पिट से कहा गया है यहाँ पे। तो इसे रिमूव कैसे कर सकते हैं, हम अपने जो फोर्जिंग सरफेस है उसे अच्छे से साफ़ करके, ठीक है, क्लीन इन्वायरमेंट मेंटेन करके वहाँ पे हम स्केल पिट डिफेक्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इफेक्ट के बारे में। तो नेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पे आता है डाई शिफ्ट का। तो डाई शिफ्ट में क्या होता है, सिंपल सा डिफेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इमेज क्या शो कर रही है, अपर हाफ ऑफ लोअर हाफ जो है वो शिफ्ट हो गया है, मतलब हुआ क्या, यहाँ पे डाई शिफ्ट हो गई हमारी। तो इसका सीधा सीधा कॉज यही है, जो हमारी जो डाई है अपर हाफ जो लोअर हाफ है वो अलाइन नहीं है, ठीक है, वो एक लाइन में नहीं है, वो अलग अलग हो रहे हैं, तो इसीलिए जो हमारा फोर्जिंग प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो
शिफ्ट मिल रहा है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपर हाफ और लोअर हाफ है हमारे डाइस के, उनको अलाइन करना पड़ेगा अच्छे से। और हमें वहाँ पे ये देखना पड़ेगा डाई के डिज़ाइन में, जब भी हम अपने स्टोक को रखते हैं तो हाफ एरिया हमारा उसमें लोअर डाई में आए और हाफ एरिया हमारा उसमें अपर डाई में आए, ताकि प्रॉपर वहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो और वो हमारी जो फोर्जिंग है वो शिफ्ट ना हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट के बारे में। तो नेक्स्ट डिफेक्ट यहाँ पे आता है फ्लेक्स। तो फ्लेक्स में क्या होता है, ये हमारे क्रैक्स हो जाते हैं, ठीक है। क्रैक कैसे हो जाते हैं, जब हमारी फोर्जिंग क्विकली कूल हो जाती है, इससे हमारी स्ट्रेंथ पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि इंटरनली वो क्रैक हो चुका है तो उतनी स्ट्रेंथ हमारी फोर्जिंग में नहीं रह जाती है। जैसा कि यहाँ पे आप कट सेक्शन देख सकते हैं, इसमें अंदर बीच में क्रैक आ चुका है, ठीक है। तो ये क्रैक आता किस वजह से, कि इम्प्रॉपर कूलिंग हुई है वहाँ हमारी फोर्जिंग पार्ट की। तो फ्लेक्स को एलिमिनेट करने के लिए हम यही कर सकते हैं कि वहाँ पे हम प्रॉपर कूलिंग करें, ठीक है, सडन कूलिंग वहाँ पे ना मिले। अब चलते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट इफेक्ट हमारा यहाँ पे आता है सरफेस क्रैकिंग का। तो सरफेस क्रैकिंग में क्या होता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं इस इमेज में, यहाँ पे ये लाइन बन गई, ठीक है, क्रैक्स आ गए यहाँ पे। तो ये क्रैक किस वजह से आते हैं, ऐसा कब होता है, जब हम अपने वर्क पीस को हीट करते हैं और ऑपरेशन करने में थोड़ी सी देरी हो जाती है, तो होता क्या है, वो ठंडा हो जाता है, और उसी वक्त हम उस पर ऑपरेशन कर देते हैं, तो होता क्या है, वो प्लास्टिक स्टेज से निकल चुका होता है, ठीक है, प्रॉपरली प्लास्टिक नहीं होता है, तो वहाँ पे स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं और होता क्या है, वहाँ पे फिर क्रैक बन जाता है। तो वो क्रैक्स साफ साफ सरफेस पे दिखाई देते हैं। कॉज इसका यही है कि हम लो टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसलिए क्रैक जनरेट हो रहा है। इसे एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए, कि ऑपरेशन करने के दौरान हमारे वर्कपीस का जो टेम्परेचर है वो अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हो। तो जैसा कि अभी तक आपने देखा होगा कि जो हमारे फोर्जिंग पार्ट है वहाँ पे हीटिंग और कूलिंग का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, ठीक है। जो उसकी हीटिंग है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, और जो कूलिंग है वो भी धीरे धीरे होनी चाहिए, एकदम सडनली नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा डिफेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमें स्पेशल केयर करनी है वहाँ पे हीटिंग और कूलिंग की। अगर हमने उस पर ध्यान दे दिया तो हमारे डिफेक्ट्स काफ़ी कम हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट डिफेक्ट यहाँ पे आता है रेजिडुअल स्ट्रेस इन फोर्जिंग। अब रेजिडुअल स्ट्रेस मतलब कि स्ट्रेस रह जाते हैं हमारे फोर्जिंग में, वो कैसे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो रेड एरिया दिखा रखा है ना, यहाँ पे स्ट्रेसेस रह गए हैं अंदर की तरफ, ठीक है। पूरा हमारी फोर्जिंग ठीक है, बट कुछ स्ट्रेसेस उसमें रह गए हैं। ऐसा कब होता है, ऐसा भी तभी होता है जब वो रैपिडली कूल हो जाता है, तो वहाँ पे हमें ध्यान देना है कि वहाँ पे स्लो कूलिंग हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट इफेक्ट हमारा आता है यहाँ पे इनकम्प्लीट फोर्जिंग पेनेट्रेशन। इनकम्प्लीट फोर्जिंग पेनेट्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारा डेंड्रेटिक इनगॉट स्ट्रक्चर है वो ब्रेक नहीं होता है। ब्रेक नहीं होता मतलब कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है डेंड्रेटिक मतलब पेड़ की शाखाओं के आकार का है, ठीक है, जैसे कि पेड़ पे से डालियाँ निकली हूँ तो इस तरह का है ये, तो जो पेड़ की डालियाँ निकली हुई हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक नहीं होता हमारे रिफाइंड स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये ऐसा ही रह जाता है। ऐसा कब होता है, जब हमारी फोर्जिंग सिर्फ सरफेस पे होती है, अंदर तक नहीं होती है। तो कोर में क्या हुआ है, यहाँ पे वहाँ पे स्ट्रक्चर डेंड्रेटिक रह गया है, और जो केस है हमारा वहाँ पे फोर्जिंग हुई है तो वहाँ पे रिफाइंड स्ट्रक्चर हमको मिल गया है। तो ऐसा इसलिए होता है, जब हम फोर्जिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जैसे कि हम मैनुअली फोर्जिंग कर रहे हैं, हैमर से ब्लो कर रहे हैं, तो अगर हम हल्की हल्की चोट मारेंगे तो होगा क्या, वहाँ पे पूरा का पूरा जो हमारा मटेरियल है ना, मतलब कि जैसे कि उसमें अपर हमारा एक्सिस हो गया, ठीक है, फिर सेंट्रल एक्सिस हो गया बीच में, और फिर लोअर एक्सिस हो गया हमारा, ठीक है, तो तीनों एक्सिस पूरे डिफॉर्म नहीं हो रहे हैं, सिर्फ ऊपर ही ऊपर बेंडिंग हो रही है, ठीक है, पूरे ऊपर ही ऊपर डिफॉर्मिंग हो रही है, ठीक है, बीच तक लोड पहुंच ही नहीं पा रहा। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा प्रॉपर फोर्जिंग नहीं होती अंदर तक, सिर्फ ऊपर ऊपर के एरिए पे फोर्जिंग होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो डेंड्रेटिक रह जाता है और बाहर का स्ट्रक्चर पे हमारी फोर्जिंग हो जाती है, तो ये डिफेक्ट हमारा तब आता है। तो ऐसे में जो हमारी फोर्जिंग जो होती हैं वो वीक रह जाती हैं। तो यहाँ पे जो कॉज है वो यही है, हमने रैपिड हैमर ब्लोज दिए हैं लाइट, ठीक है, इस वजह से प्रॉपर फोर्जिंग नहीं हुई है। तो इसके रेमेडीज़ क्या हैं, कि यहाँ पे हमें जो फोर्जिंग करनी है वो प्रेस के थ्रू करनी है, जहाँ पे प्रॉपर लोड उसे दिया जाए, ठीक है, कि पूरे के पूरे पार्ट में फोर्जिंग हो। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे सभी डिफेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं फोर्जिंग के एडवांटेजेस के बारे में। तो फोर्जिंग जो प्रोसेस है हमारी, इसकी काफ़ी सारी एडवांटेजेस आप पहले ही जान चुके होंगे, आपने जो पूरी वीडियो देखी इसमें काफ़ी सारी एडवांटेजेस आपको वैसे ही पता लगी होंगी। तो फिर से इनकी बात कर लेते हैं। जो फोर्जिंग प्रोसेस हमारी वो स्ट्रॉन्गर होती है कास्टिंग से, ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले। जो हमारी फोर्जिंग होती है उसमें हम कई सारी शेप्स बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि क्रैंक की शेप हमें बनानी है, डंबल टाइप की शेप बनानी है, तो वो शेप हम एक ही बार में हम फोर्जिंग में बना लेते हैं, कोई भी जॉइनिंग प्रोसेस की हमें उसमें और ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है,
जैसे कि हम वेल्डिंग करके उस शेप को नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट हम फोर्जिंग से बना रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है वो सिंगल यूनिट बनती है तो वो स्ट्रॉन्गर भी होती है। और फोर्जिंग हमारी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस होती है, ठीक है, काफ़ी नॉमिनल इसमें कॉस्ट आता है अगर हम इसमें मास प्रोडक्शन करें। और फोर्ज पार्ट को हम इजिली वेल्ड भी कर सकते हैं, अगर हमें फोर्जिंग को रिपेयर करना है तो वहाँ पर हम उसे वेल्ड भी कर सकते हैं। अब इसकी डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि हर एक प्रोसेस में डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, तो इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या आती हैं, इसमें रैपिड ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि ये ओपन एयर में करते हैं और हाई टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे क्या होता है, हमारा मटेरियल ऑक्सीडाइज हो जाता है, वहाँ पे काफ़ी सारी स्केलिंग प्रोड्यूस हो जाती है। और स्केलिंग प्रोड्यूस हो जाती है तो फिर उससे क्या होता है, हमारे डाइज में हम स्केल्ड पार्ट को डालते हैं तो हमारे डाई की लाइफ भी कम हो जाती है, उस पर भी वियर टियर होता है, ठीक है, सरफेस फिनिश भी अच्छी नहीं मिलती है इसमें इतनी। इस वजह से क्या होता है, क्लोज टॉलरेंस में हम इसमें पार्ट नहीं बना पाते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फोर्जिंग में डाइज की इक्विपमेंट्स की इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, मेंटेनेंस की कॉस्ट भी हाई होती है, क्योंकि इसमें प्रॉपर फर्नेस वगैरह चाहिए होती है, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, हैवी मेटल वर्क होता है, तो इनिशियल कॉस्ट इसमें थोड़ा हाई होती है। तो यहीं पे हमारी जो फोर्जिंग की वीडियो है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपने पूरी वीडियो देखी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्जिंग में क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्यों हम फोर्जिंग यूज़ करते हैं, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ फोर्जिंग होती हैं, ठीक है, क्या कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं, क्या उनकी रेमिडीज़ हैं, सबके हमने इसमें बात कर ली है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना फोर्जिंग प्रोसेस के बारे में। आई होप आपने वीडियो पूरी देखी होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिल जाएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी टेक्निकल।